गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। इन दिस वीडियो विल डू हेरिटेज टूर ऑफ द सिटी वेयर आई एम एक्सप्लोरिंग हेरिटेज होमस्टेज ऑफ अहमदाबाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट डे इज इन फ्रेंच हवेली। It is managed by Rajiv ji. He is a part of City Heritage Center community, and the community which focuses on preserving the architectural and cultural heritage of the city. So let me show you around. बहुत ही नैरो सीढ़ियों पे ध्यान से चढ़ते चढ़ते आप पहुंच जाओगे ऊपर वाले फ्लोर पे। आराम से बैठो, यहाँ पे बैठो, वहां पे बैठो। दरवाजा दिख रहा है, ये सीढ़ियों को बंद करने के लिए। लो आ गए हम एक और हेरिटेज हवेली। ये है जगदीप जी का हेरिटेज हाउस। ये लगभग 20 साल से गेस्ट होस्ट कर रहे हैं। अगर आपको हेरिटेज हाउस में रहना है, मतलब पुराने ज़माने में घर कैसे होते थे और वहाँ लोग कैसे रहते थे, कैसे कमरे होते थे, कैसे सीढ़ियाँ होती थी, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट फ्रॉम। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या बन रहा है? सूरन। ये रहा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे खाएंगे रात को खाना। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई क्यों आके रहे, क्या खासियत है? मतलब मुझे तो पता है कि यहाँ पे मुझे कितना अच्छा लग रहा है, पर आप बताओ कि और कोई क्यों आए यहाँ पे, ऐसा क्या है खास? एक्चुअली हम लोग वर्ल्ड फैमिली में मानते हैं, तो जो भी आते हैं तो हम उनको हमारे फैमिली के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं और जो हमारा कल्चर है वो उनके साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो जो भी आता है उनको ऐसा लगता है कि हम कोई अपने रिलेटिव के घर गए हैं, ऐसा फील करते हैं यहाँ पे। तो लोगों को अच्छा लगता है। क्या मुझे बता रहे थे कि ये आप मतलब गुजरात का फर्स्ट रिस्टोर्ड हाउस? हाँ, अहमदाबाद का फर्स्ट हेरिटेज रिस्टोर्ड हाउस है और हमको फ्रेंच गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी उसमें, और वी आर फॉर द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द लोन फॉर द रिस्टोरेशन। ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं वो इटालियन टाइल्स है। अब से जो भी ग्लासेस है वो सब बेल्जियम ग्लासेस हैं। फिर अपने बैठे खड़े उसके 19 फुट के बाद नीचे पूरा पानी है। पहले के ज़माने में पूजा रूम जहाँ पे पूजा होती थी वहीं पे वो रिंग होता हर तीन टाके का कॉम्बिनेशन रहता था। अच्छा। किचन, पूजा का रूम और पानी का टाका। तो ये घर के अंदर ये सब सुविधा है। घर के अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स है। आप फर्स्ट फ्लोर जाएंगे जो सीलिंग है वो 16th सेंचुरी इटालियन स्टाइल डिज़ाइन है।
माइट बी दिस इज ओनली वन इन इंडिया. इवन वॉल पे जो आप स्टैचू देखेंगे वो भी इटालियन है. वो आगे के रूम है उसमें जो आप कपबोर्ड है वो कपबोर्ड के अंदर जो ग्लास पेंटिंग है. ये हाउस तो 200 साल के ऊपर पुराना है लेकिन तब का ग्लास पेंटिंग है. तो वो टाइम पे उन लोगों ने कैसा कलर यूज़ किया होगा, कितना डिटेलिंग वर्क किया है. तो हमने ये सब संभालने के लिए, क्योंकि ये अपने देश का एक ऑर्नामेंट्स है. यहाँ पे जैसे एक घर दूसरे से घर से जुड़े हुए हैं वैसे लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ के दरवाजे खुले हैं तो लोगों के मन भी खुले हैं. मीन्स अपने घर में कुछ भी अच्छा बना है तो आप पड़ोसी को दो, पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा बना है हमको दें. रात को 2 बजे भी उठ के किसी को दूध चाहिए या चीनी चाहिए तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. तो ये ओल्ड सिटी का यही मज़ा है.